स्पीकिंग, मैं अभी भी इस पिच से मुतमईन नहीं हूँ। मैं तकरीबन कोई 3 दफा आमने सामने ग्राउंड मैन के साथ, फिर 2 दफा फोन पे मेरी उनके साथ बात हुई है। साल बदल गया लेकिन हमारी पिचेस नहीं बदली। कल एक तस्वीर भी आई कि भाई ग्रीन पिच होगी, सारे देख के पागल हो गए। 3 दिन में टेस्ट मैच का फैसला होगा, ये भी फैसला हो गया, पिच नहीं होगी। क्या हो गया पिच पिच पिच, कल से लेके अभी तक पिच की कहानी सुनी। एक बार फिर से जो है हमें फटा पिच जो है वो देखने को मिला। एक्सपेक्टेड तो हमें ये था कि यार शायद ग्रीन पैच जो है वो देखने को मिलेगा यूट्यूब चैनल पे, तो वो आपके लिए, आपने उनको विलन बना दिया। तो ये चेंज ऑफ ओपिनियन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ना किसी भी हमको ऑफिसर का बड़ा आराम से दिख जाता है। ये पिछले मैच में पहले पाकिस्तान की बैटिंग आई तो किसी को याद नहीं था जी पिच खराब है जी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि बाबर सेंचुरियां लगा रहा था। जब न्यूजीलैंड की बारी आई वो आउट नहीं हो रहे थे, तब भी सबने शोर डाली और जी पिच खराब है जी, पिच खराब है, पिच खराब है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रिकेट कारनामा में। दोस्तों, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच चल रहे दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तानी गेंदबाजों को न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने फिर से धोया और इस मैच में न्यूजीलैंड का स्कोर जब 201/1, पाक मीडिया ने फिर पिच को लेकर सवाल उठाना शुरू कर दिया था। पिच को लेकर पाक मीडिया का क्या रिएक्शन है, सीधे चलते हैं वीडियो की ओर। लेकिन इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाएं सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। स्पीकिंग, मैं अभी भी इस पिच से मुतमईन नहीं हूं। मैं तकरीबन कोई 3 दफा आमने सामने ग्राउंड मैन के साथ, फिर 2 दफा फोन पे मेरी उनके साथ बात हुई है। मैंने कहा आप फुल कॉन्फिडेंट हो कि जो चीज हम चाह रहे हैं उसी तरह का विकेट बनेगा, तो उन्होंने कहा फिक्र ना करें हम वैसे ही विकेट बनाएंगे। तो खैर उन्होंने कोशिश की, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसी तरह इसी का पिच हो और इसमें बाउंस और ज्यादा हो, और बाउंस होना चाहिए इसके अंदर। अच्छा कोशिश की उन्होंने, ठीक है अच्छा, पहले से बेहतर इसलिए कहूंगा कि पिच पे रन भी हुए और साथ में पूरे दिन में अगर देखा जाए अभी तक तो 6 ही आउट थे, 6 आउट भी हो गए। तो उम्मीद है कि इसका रिजल्ट आएगा इस पिच का और इंशाल्लाह हमारी जो कॉम्बिनेशन है उस हिसाब से मैं कहूंगा कि पाकिस्तान के फेवर में आना चाहिए। साल बदल गया लेकिन हमारी पिचेस नहीं बदली। कल एक तस्वीर भी आई कि भाई ग्रीन पिच होगी, सारे देख के पागल हो गए। 3 दिन में टेस्ट मैच का फैसला होगा, ये भी फैसला हो गया, पिच नहीं होगी। क्या हो गया पिच पिच पिच, कल से लेके अभी तक पिच की कहानी सुन रहे हैं। जब मैच शुरू होता है दोनों टीमें पेसर ज्यादा खिलाती है, पाकिस्तान बॉलिंग करने आते हैं तो पाकिस्तानी बॉलर तो वैसे ही रह जाते हैं। पहले सेशन के अंदर न्यूजीलैंड वाले ऐसा धोते हैं, दोनों की पार्टनरशिप ऐसी लगती है कि हम तो सर पकड़ के बैठ जाते, हो तो हो क्या रहा, कितना डोला डाला, इतनी ग्रीन पिच दिखा के दोबारा से वही बना दी। हमारे बॉलर साइड की हिम्मत हार जाते हैं, वो कहते हैं वही विकेट है जो पिछले 3 से 4 मैच में थी। हम एक बार फिर से जो है हमें फटा पिच जो है वो देखने को मिला। एक्सपेक्टेड तो हमें ये था कि यार शायद ग्रीन पैच जो है वो देखने को मिलेगा। ग्रीन पैच से मुराद ये कि सिर्फ घास छोड़ना नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा था कि कोई हमें बाउंसी विकेट देखने को मिलेगा, कोई जबरदस्त किस्म की जो है वहां पर पेस से जो बॉलिंग हो रही होगी। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला, बस ऐसा देखने को मिला कि गुजारा जो है वो चल गया किसी तरीके से, जो है ग्रीन ग्रास छोड़ी गई, कोशिश की गई, लेकिन पीसीबी फिर से जो है एक बार बॉलिंग पिच बनाने में नाकाम रहा। जो शक्लैन थे उन्होंने अफरीदी को बोला भी था कि ये ना हो कि हमारा होम एडवांटेज जो बिल्कुल ही चला जाए, अगर ग्रीन पैच आ जाए तो थोड़ा सा मुनासिब सी विकेट बनाए, क्योंकि अफरीदी की बहुत कोशिश है कि बाउंसी ट्रैक बनाया जाए। पेस तो बड़े निकल रहा था, मुझे गोली कर रहे थे, एक्स्ट्रा पेस जो है वो बॉलर्स में दिख रहा था, चाहे हसन अली हो चाहे नसीम शाह, दोनों का पेस बड़ा जबरदस्त दिख रहा था, बॉल में मूवमेंट नहीं आ रहा। लेकिन रिवर्स स्विंग आपको बाद में देखने को मिला एंड में आके पिच में स्पिन को बड़ा हेल्प करना, लेकिन निस्बतन अगर आप देखोगे तो पिच बेहतर नजर आ रही है एज कम्पेयर टू प्रीवियस मैच गुजरे हैं। लेकिन यूट्यूब चैनल पे तो वो आपके लिए, आपने उनको विलन बना दिया। तो ये चेंज ऑफ ओपिनियन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ना किसी भी हमको ऑफिसर का बड़ा आराम से दिख जाता है। ये कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है, बहुत बड़ा कोई ऐसा हिडन सीक्रेट नहीं है, ये बहुत बड़ी रियलिटी है। तो अगर आप फिर एक दफा पीछे नजर डालें तो आपको दिखेगा कि शायद खान अफरीदी आज एक ऐसी बात कर रहे हैं। उनसे पूछा गया कि पिच, क्योंकि उनका रोल बड़ा था इस पिच के अंदर, वो क्यूरेटर को, तो उनसे पूछा गया कि जी आपकी क्या एक्सपेक्टेशन थी, या क्या आपने उनको पिच बनाने वालों को क्या मैसेज दिया था। तो अकॉर्डिंग टू हिम द मैसेज वाज वेरी सिंपल कि हमको यहाँ स्पोर्टिंग विकेट चाहिए जिस विकेट के अंदर बाउंस हो, बैटर्स के लिए भी मुश्किलात हो और बॉलर्स के लिए भी इतना सब कुछ हो कि वो मुश्किलात अगर बैटर्स उनको देते, अगर बैटर भी उनको काउंटर अटैक करते हैं तो उनके पास इतना जरूर जूस मौजूद हो कि वो इस पिच से ट्रैक्शन हासिल कर सके और अपने लिए भी फेवरेबल कुछ सिचुएशन बना सके। लेकिन अकॉर्डिंग टू हिम शाहिद खान अफरीदी के वैसी पिच ना बन सकी जिस तरह उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी थी, क्योंकि वो आसान भी नहीं है, 2 दिन बहुत कम है और मौसम तो देखें बाबर की खुशी का आपने लगा लिया होगा अगर सलमान के विकेट पे अगर आप लोग देख रहे होंगे कि उसने जाते ही सबसे पहले उसके चूतड़ पे हाथ मार देना, ये पता नहीं कौन कूले पे बोलो, वो चूतड़ कहेंगे ना, अच्छा तो वो
ये पता नहीं कौन सी दोस्ती है, ये वसीम जब आउट करता है जवाब देख ले कितनी खुशी है। अबे जो अच्छी बॉलिंग कर रहा था वसीम, हाँ। उसको ड्रॉप क्यों किया? ये नहीं कि सबकी बारियां लगाएंगे तुमने, हाँ। मेरा हसन खेलेगा, वसीम तू मेरे वसीम तू बैठ गया, हसन को मैं खिलाऊंगा, ठीक है। उधर अब ये आगा सलमान की इसने बात करी बात से नहीं, देखे यार ये होती है टैक्टिक्स, इसको मैं इसीलिए कहता हूँ कि जो साजिशें और चालाकियां होती है ना वो ये होती है कि पहले तू बल्ले से अपने रन कर दे, तुझे मैं छुपा लूंगा बॉलिंग में, और जब तेरी जब बॉलर्स का मामला आएगा तो मैं बोलूंगा यार ये तो बॉलिंग भी बहुत अच्छी करता है। पिछले मैच में पहले पाकिस्तान की बैटिंग आई तो किसी को याद नहीं था जी पिच खराब है जी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि बाबर सेंचुरियां लगा रहा था। जब न्यूजीलैंड की बारी आई वो आउट नहीं हो रहे थे, तब भी सबने शोर डाली और जी पिच खराब है जी, पिच खराब है, पिच खराब है। ठीक है पिछले मैच में पिच खराब थी लेकिन पहले आपको नजर नहीं आ रही थी पहले दिन, आज तो पिछला जो मैच था उससे जो तकरीबन जो 50% अच्छी पिच है, आज बाउंस भी मिल रहा है, कैरी भी हो रहा है, तो आज तो अच्छी पिच है, मसला आपकी बॉलिंग का है। ये बात मानो भाई कि आपकी बॉलिंग को जो वो उसकी पसंद की विकेट मिली है उसके ऊपर भी आपकी बॉलिंग क्लूलेस नजर आई है। दोस्तों इससे पहले शाहिद आफरीदी ने भी पिच को लेकर यह कहा था कि वह पिच को लेकर खुश नहीं है। दोस्तों मुझे लगता है कि पाकिस्तान टीम को पिच के बारे में न सोचकर पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस के बारे में ध्यान देना चाहिए। क्या लगता है दोस्तों आप लोगों को, क्या पाकिस्तान टीम को अपनी परफॉर्मेंस के बारे में ध्यान देना चाहिए ना कि पिच के बारे में? कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।